बच्चों वीडियो का कंटेंट है 11th स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी है, तो दोबारा से फिर क्यों आ गई है 11th में? तो बात इसी के ऊपर करते हैं हम। इसमें है क्या ऐसा कि 10th में तो कंप्लीट कर ली थी हमने, रूट्स भी निकाल दिए थे, नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ लिया था, ठीक है ना, और सोल्व करने के 3 मेथड भी पढ़ लिए थे, कंप्लीटिंग स्क्वेयर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। तो दोबारा से 11th क्लास में क्यों आ जाती है देखते हैं भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन बच्चों इक्वल वर्ड से बनती है, ठीक है ना, इक्वल वर्ड से बनी है ये, और इक्वल का मीनिंग है बराबर, यानी कि कोई भी दो एक्सप्रेशन बच्चों, कोई भी दो एक्सप्रेशन जो एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है ना, पावर कितनी भी हो सकती है, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो उसको ही इक्वेशन बोलते हैं, कि जिसमें इक्वल का साइन हो, एक ऐसी दो स्टेटमेंट जिनमें इक्वल का साइन हो, ठीक है ना। तो इक्वल में कोई नॉन जीरो भी हो सकता है, इक्वल में कोई नंबर जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, इक्वेशन, इक्वल वर्ड से बढ़ती हैं इक्वेशन। इक्वल में कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई जीरो ही होगा, ठीक है ना, इक्वल में फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, दोबारा से यही हो सकता है, एक्स प्लस फाइव हो सकता है, केवल और केवल कंडीशन है इक्वल की, इक्वल का साइन हो, इक्वल का सिंबल हो, तो लेफ्ट राइट में और राइट राइट साइड में कोई भी एक्सप्रेशन रखी हुई हो आपस में, ठीक है ना, इक्वल, तो उन सब को क्या बोला जाता है, इक्वेशन। फिर आगे बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है बच्चों पहले, बहुत सारी आइडेंटिटी आपने लर्न कर रखी है, जैसे ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बहुत सारी आइडेंटिटी आपने याद कर रखी है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी होती क्या है ये बात करते हैं बच्चों। देखो जैसे देखिए ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, ठीक है ना। अब बच्चों ये इक्वेशन जो है, यहां पर जो वेरिएबल है इसका, उस वेरिएबल की जगह अगर मैं यहां पर वन रखता हूं तो ये सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि लेफ्ट राइट इक्वल हो जाती है, जैसा कि इसमें साइन दिया गया इक्वल का। तो इसका मीनिंग ये है कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल है। तो ये लेफ्ट राइट के इक्वल कब होगी भाई बच्चों, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली वन, ठीक है ना, केवल ए की वैल्यू वन इसको इक्वल कर सकती है। जैसे यहां पर फोर है अगर, तो एक्स की वैल्यू फोर इसको इक्वल कर सकती है एक दूसरे को, ठीक है ना। आप जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं एक्स प्लस वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई, इसके बारे में बात करता हूं एक बार, और एक बात करता हूं इसके बारे में एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए बच्चों एक्स और वाई का जो सम है वो जीरो के इक्वल है, तो यहां पर एक्स वाई की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू हो भाई, जैसे x की वैल्यू जीरो y की जीरो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये x की वैल्यू वन y की माइनस वन, y की वन x की माइनस वन, x की थ्री y की माइनस थ्री, x की माइनस थ्री y की थ्री, x की वैल्यू फोर y की माइनस फोर, x की माइनस फोर y की फोर, यानी कि बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू, लेकिन क्या सभी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं इसको। जैसे कि मैं यहां पर फाइव रखूं और यहां पर फोर रखूं तो ये क्या बन जाएगी, देखिए देखिए बच्चा बच्चों ये बन जाएगी 5 प्लस 4 9, ठीक है बच्चे। तो 5 यहां पर रखें हम, 4 यहां पर रखें, तो क्या बन गई ये 9। तो क्या 9 जीरो के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ये इक्वेशन है पक्का, बिल्कुल इक्वेशन है, इक्वल का साइन है इसमें, लेकिन भाई बच्चों ये आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी अगर होती तो एक्स वाई की जगह हर कोई रियल वैल्यू रखने से ये सेटिस्फाई हो जाती। तो जैसे कि यहां पर आप एक्स वाई की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे, जैसे यहां पर फोर रख दिया, यहां पर फाइव, तो आपने लेफ्ट में एक्स की जगह फोर रखा है तो राइट में भी एक्स की जगह फोर ही रखना है, लेफ्ट में अगर फाइव रख दिया वाई की जगह तो राइट में भी फाइव ही रखना है।
तो ये लेफ्ट राइट हमेशा इक्वल हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और कैलकुलेट कर लीजिए आप यहां पर भी आ जाएगा 81। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है, वो इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है जो सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना। इक्वेशन तो बच्चों दोनों हैं ये, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाती है भाई। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू की, जो केवल लिमिटेड वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इनफाइनाइट वैल्यू है, जिंदगी बीत जाएगी आपकी यहाँ पर वैल्यू भर भर के, रुकेंगे नहीं आप, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी नहीं है। रीजन ये है इसके पीछे कि भाई आइडेंटिटी तब होगी जब ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाए। जैसे ये भी आइडेंटिटी नहीं है, ये तो केवल ए की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होने लग रही है, 4 के लिए, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं, ये भी आइडेंटिटी नहीं, ये आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है ना। आपने कभी याद किया है 10th में, 9th में, 8th में कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, आपके टीचर ने याद करवाया आपको कि भाई याद कर लीजिए बच्चों एक्स प्लस वाई की वैल्यू जीरो होती है, याद कर लीजिए। बिल्कुल नहीं याद करवाया ना। 9th 10th के टीचर ने आपको क्या याद करवाया कि भाई एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर याद कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर याद कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का क्यूब याद कर लीजिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर एंड सो। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटी होती है बच्चों, ठीक है ना, ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाती है। तो आइडेंटिटी में और इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है, आया समझ में आपको। सभी आइडेंटिटी इक्वेशन होती हैं, लेकिन सभी इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होती। आगे बात करते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना, जो कि आप 9th 10th में पढ़कर आए हैं भाई, पॉलिनोमियल। ये इस तरह की जो एक्सपेंशन होती है बच्चों, ए नोट ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब एंड सोन, प्लस ए एन एक्स रेस टू देन इक्वल टू जीरो, ये इस तरह की एक्सपेंशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये फिलहाल आपके सामने क्या है, पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है ना, आया समझ। और वह इक्वल रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें कंडीशन ये होती है बच्चों, ए नोट ए वन ए टू ए थ्री एंड सोन ए एन ऑल आर रियल नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, रियल, ठीक है ना, यानी कि कोफिशेंट क्या होते हैं, रियल। और जो डिग्री है, डिग्री हमेशा क्या होगी, व्होल नंबर। तो इस तरह की एक्सपेंशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल, आया समझ में। अब पॉलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, क्वार्टिक भी हो सकता है, पेंटिक भी हो सकता है, एक्सिक भी हो सकता है एंड सोन। यानी कि वन पावर होगी तो लीनियर हो जाएगा, जैसे कि ये लीनियर है, देखिए दो पावर हो जाएगी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तीन पावर होगी क्यूबिक हो जाएगा, चार पावर होगी तो क्वार्टिक हो जाएगा या बायो क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, और पांच पावर होगी पेंटिक हो जाएगा, छह पावर होगी तो एक्सिक हो जाएगा एंड सोन। इस तरह डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नाम बदलता जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल सारे के सारे होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये जो है, ये है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पी ऑफ एक्स व्हेन ए बी सी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई बच्चों, तो क्वाड्रेटिक की बजाय क्या बच जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो फिलहाल क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ ए बी सी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ये हो गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए बी सी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, लेकिन ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के केस में हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना।
तो भाई बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। और अगर बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को पता चलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जैसे टू पावर है, टू डिग्री है उसकी हाईएस्ट, तो उसके दो ही रूट होंगे। यानी कि एक डिग्री होगी तो एक रूट होगा, दो डिग्री होगी दो रूट होंगे, तीन डिग्री होगी तीन रूट होंगे, ठीक है ना। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के तीन से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। रूट मीन्स सॉल्यूशन, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आपने 10th क्लास में निकाली थी। तो जितनी भी डिग्री होगी उतनी उसको सोल्व करने से उसकी एक्स की वैल्यू आएगी, उसके वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जो भी उसका वेरिएबल होगा। वाई में भी हो सकती इक्वेशन, एक्स में भी हो सकती, जेड में भी हो सकती है, ठीक है ना। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये दो तरह की होती है। देखो एक है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पर, जीरो, ठीक है ना। बी यानी के एक्स की टर्म नहीं होगी उसमें, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें ए बी सी में से किसी की वैल्यू भी जीरो ना हो। ए बी सी क्या हो, रियल, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो की तो कंडीशन है इस सभी के अंदर, यहां पर भी है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी आपकी इक्वेशन। तो ये दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब काम क्या करना होता है, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ रूट्स। पहले रूट्स के बारे में बता देता हूँ, रूट्स होते क्या है। इसको सोल्व करने से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसके रूट्स कहलाते हैं, इसके सोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रूट्स, इसके सोल्यूशन, इसके जीरोज हो जाएंगे बच्चों। अब वो किस तरह के होंगे उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे कि रूट्स किस तरह के होंगे उसके, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन होगा कैसे। तो ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे कि आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसका आपने सॉल्यूशन करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे, फोर को राइट में ले जाएंगे, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से रूट लेने से प्लस माइनस टू। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब जो मैंने बात स्टार्ट की थी आपके सामने कि भाई 10th क्लास में आज लिया चैप्टर, 11th में फिर से क्यों आया है ये चैप्टर, ठीक है ना। तो वो आपको यहां पर समझ में आएगी। देखिए आप, जैसे आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाए तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी प्लस माइनस माइनस फोर का स्क्वायर रूट। तो ये काम आपने नहीं किया था 10th क्लास में, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी के ही रूट निकाले थे, बल्कि पॉजिटिव की बजाय मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के आपने रूट निकाले थे। यानी कि आपने जीरो का भी स्क्वायर रूट निकाला था जो कि जीरो होता है, और जीरो से जितने भी बड़े नंबर हैं यानी कि प्लस के, उन सब के रूट आप निकाल चुके। 11th क्लास में आपने पढ़ा है आयोटा के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अब आपने क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी के रूट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपके 10th 9th में नहीं था भाई बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपकी 9th 10th में क्लास में नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम आएगी सामने कि नेगेटिव क्वांटिटी का रूट लेना पड़ेगा जो आपके 9th 10th के स्टैंडर्ड में नहीं था। तो अब 11th क्लास में हो गए आप, तो अब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस टू आयोटा, माइनस वन का रूट क्या आ जाएगा, आयोटा। तो एक्स की दो वैल्यू हो गई, प्लस टू आयोटा एंड माइनस टू आयोटा। तो देखो प्योर क्वाड्रेटिक तो आपके 10th में भी थी, अब इस तरह की प्योर क्वाड्रेटिक आएंगी कि यहां पर माइनस के साइन की बजाय प्लस का साइन मिलेगा आपको, जिससे आपके रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है ना, आया समझ में। तो इसके इसी तरह के रूट होंगे बच्चों, रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। कैसे पता चलेगा, अगर एक्स स्क्वायर का
ए और सी के बारे में बात कर लेता हूं। ए सी का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है बच्चों, ए सी का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, रियल। एंड आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, जैसे कि वह है 2 - 2 + 2, तो मैग्नीट्यूड तो 2 है उनका, लेकिन साइन में अलग अलग है, एक माइनस का 2 आ गया, एक प्लस का 2 आ गया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग है। और भाई एसी, अगर एसी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा बच्चों, यहां लिख देता हूं अगर नहीं दिखाई दिया तो आपको, एसी का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है ना, रूट्स आ जाएंगे आपके इमेजिनरी। जैसे कि ये आए प्लस माइनस के साथ, कंजुगेट पेयर के साथ आएंगे, तो बस इसका तो इतना ही किस्सा था भाई प्योर क्वाड्रेटिक का, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं प्योर क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है ना। अब आपके सामने अगर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए तो तुरंत आंसर निकाल सकते हो आप, जैसे 10th क्लास में निकालते थे कॉन्स्टेंट को राइट में ले जाकर रूट ले लेना, यहाँ पर भी प्लस हो ये माइनस हो कुछ भी हो राइट में ले जाकर जो भी आए आता रहने दे और रूट ले ले, यहाँ पर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसका रूट क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस वन का रूट। अब बात करते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर के बारे में, कि इसके रूट्स ऑफ नेचर कैसे क्या होगा, जो कि आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके बच्चों। तो ये है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो भाई इसमें एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये चेक करवाता है, 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके इसके बारे में। अगर डी आपका ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल। रियल एंड अनइक्वल, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। और अगर डी आपका लेस देन जीरो है तो आपकी बार इक्वल ले लेता हूं, डी अगर आपका जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। और रूट डी अगर आपका लेस देन जीरो है तो रूट्स आर इमेजिनरी, जो आपने 10th क्लास में नहीं फाइंड आउट किए, जिनको आपने वहीं पर छोड़ दिया था, ठीक है ना। जैसे कि इक्वेशन आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ए की वैल्यू है यहां पर 1, 2 ले लेंगे, जैसे ए की वैल्यू है यहां पर 2, बी की वैल्यू 1 जो कि एक्स का कोफिशियंट और सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट, तो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस फोर ए सी, तो क्या आ गया ये माइनस 7 लेस देन जीरो, तो हम लिखते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिखते थे बच्चों हम 10th क्लास में, ठीक है ना, यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ दिया करते। लेकिन अब ये क्वेश्चन आगे सोल्व करना है, इनके रूट्स इमेजिनरी, रूट डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग होता है कि रूट्स इसके रियल नहीं है। किसी किसी बच्चे ने तो ऐसा भी लिखा होगा, किसी ने लिखा होगा रूट आर नॉट रियल, ठीक है ना, रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी लिखा होगा। तो रियल रूट नहीं है लेकिन इमेजिनरी रूट्स तो निकल सकते हैं ना, और वो निकालेंगे हम अब 11th क्लास में, ठीक है ना। मेथड वही रहेंगे अपने जो मेथड थे। अब आगे बात करते मेथड की, मेथड क्या थे, फैक्टराइजेशन करो और क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मेथड थे बच्चों। तो एक क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से आपको करके दिखा देता हूं। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो,
माइनस लेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों ऐसा बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में एक रूल होता है बच्चों, ए सी का जो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो अलग रूल है फैक्टर करने का, और ए सी का प्रोडक्ट यानी कि ए है यहां पर माने सिक्स, सॉरी सी है यहां पर माने सिक्स और ए है यहां पर वन, तो इसका प्रोडक्ट हो गया माने सिक्स। ठीक है, ऐसे वहां पर तो इसका अलग से रूल है। तो करना क्या है, चारों केसेस के अंदर जो स्केल की टर्म है और जो कॉन्स्टेंट है उसको लिखना है एज इट इज आपने, जो स्केयर की टर्म है जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लिखना है एज इट इज आपने, जो स्केयर की टर्म है जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लिखना है एज इट इज आपने, जो स्केयर की टर्म है जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लिखना है एज इट इज आपने। इस बीच वाली के ऐसे दो टुकड़े करने हैं बच्चों, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिससे उनका प्रोडक्ट तो कितना आ जाए सिक्स, जो इसका और इसका प्रोडक्ट है सिक्स। तो सिक्स के दुनिया में केवल दो ही तरह के फैक्टर होते ही है, ठीक है ना, यहां पर भी ऐसा है यहां पर भी यहां पर भी। अब आपने ये देखना है कि अगर ए सी का प्रोडक्ट अगर जीरो से बड़ा है, मतलब छह की और एक की गुना जो की हमने वो जीरो से बड़ी आई है पॉजिटिव आई है, तो भाई इसके जो टुकड़े होंगे वो टुकड़े उनका जो सम है वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ए सी का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो जो टुकड़े किए आपने उनको एड करना आपने, अगर ये पॉजिटिव है तो, ठीक है ना, यानी कि प्लस का है तो ऐड करना है। कौन है प्लस का, ए सी का प्रोडक्ट, तो ए सी का प्रोडक्ट प्लस का है तो इनको ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो सेवन आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे फाइव आ जाएगा, इसलिए टुकड़े सिलेक्ट हो गए थ्री टू। अब क्या है कि कौन सा साइन लगाना है किस टुकड़े के साथ, तो अगर यहां पर माइनस का साइन है तो दोनों के साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है ना, दोनों फैक्टर के साथ माइनस का साइन, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स। ठीक, इसमें भी वही बात है, एसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों टुकड़ों को ऐड करना पड़ेगा जो कि ये ही हो गए, लेकिन यहां पर साइन लगेगा प्लस का क्योंकि बी क्या है प्लस का, कॉमन सेंस की बात है कि ऐड होकर 5x तक भी बढ़ेगा जब दोनों के साइन प्लस के होंगे, ऐड होकर माइनस 5x तक भी बढ़ेगा जब दोनों के साइन नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या बात है, इसमें फैक्टर तो वही हुए 6 into 1 और 3 into 2, लेकिन इसमें जो ए सी का प्रोडक्ट है वो क्या है नेगेटिव, और ए सी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है बच्चों, ए सी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों टुकड़े सब्ट्रैक्ट होकर 5x बनाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट तो भाई ये सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 बनता है, इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 बनता है, ये चलेंगे फैक्टर। अब बड़े का साइन लगेगा जो यहां पर लगा हुआ होगा यहां पर माइनस का, तो बड़े का माइनस का लग जाएगा, छोटे का दूसरा साइन लग जाएगा क्योंकि वरना तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। इसमें बड़े का साइन प्लस का लगेगा क्योंकि बी का साइन पॉजिटिव है, तो 6x माइनस एक्स, और आगे अब सभी चारों का सेम मेथड हो जाएगा, चारों के फैक्टर करेंगे तो सेम मेथड रहेगा। करना क्या है, पहले दोनों में से एक्स कॉमन लेना, यहां पर बचेगा एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में से माइनस टू कॉमन है तो माइनस टू को से डिवाइड करेंगे एक्स, माइनस टू से डिवाइड करेंगे माइनस थ्री, तो दोनों फैक्टर में बिल्कुल सेम बच जाएगा यहां पर दोनों टर्म में, तो यही कॉमन आ जाएगा और यहां पर बच जाएगा एक्स और यहां पर बच जाएगा माइनस टू। आगे फिर आप आइदर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू जीरो और सेकंड पार्ट इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से थ्री और टू। ठीक, ऐसे ही इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस थ्री बच जाएगा, प्लस टू कॉमन लेंगे एक्स प्लस थ्री बच जाएगा, राइट साइड जीरो, एक्स प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा और यहां पर बच जाएगा एक्स प्लस टू, और डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री और माइनस टू। ठीक, ऐसे इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा एक्स माइनस सिक्स, यहां पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो वन ले सकते हैं आप एक्स माइनस सिक्स, और भाई एक्स माइनस सिक्स कॉमन आ गया, दोनों में सेम आ गया ना दोनों टर्म में, और यहां पर एक्स यहां पर प्लस वन बच गया, राइट साइड जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स एंड माइनस वन। ठीक, ऐसे इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां पर बच जाएगा एक्स प्लस सिक्स, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स, राइट में जीरो, एक्स प्लस सिक्स कॉमन आ जाएगा, यहां पर बच जाएगा एक्स माइनस वन, राइट में जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स और वन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये था बच्चों फैक्टराइजेशन, स्टेटमेंट बदल सकती है लेकिन मेथड नहीं बदलेगा, मेथड यही रहेगा।
अब मैं कर देता हूं फैक्टराइजेशन से हो चुके हैं, अब मैं कर देता हूं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे पहले आप क्या कर लेना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बढ़ा लेना, जो कि इसमें ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा आपने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर देना है, जो कि क्या आ जाएगा -5/2। फिर इसका स्क्वायर कर लेना आपने, जो कि क्या आ गया 25/4। तो एड और सब्ट्रैक्ट कर देना इस टर्म को, ठीक है ना। और अब भाई इन दोनों के साथ जो x की टर्म है जो आपने ऐड किया है वो इंक्लूड कर लेना है। तो इनमें से इसका रूट निकाल लेना, इसका रूट निकालना मत, 1 पावर वाले का इसका रूट निकाल लेना और इसका साइन लगा देना बीच में और स्क्वायर ले आ गया, ठीक है ना। ये दोनों क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे 24 - 25 यानी कि -1/4, राइट में 0। अब 1/4 को राइट में ले जा सकते हैं आप, तो +1/4 आ जाएगा, रूट लेंगे तो राइट में आ जाएगा प्लस माइनस का साइन यानी कि +-1/2। तो बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाएगी +5/2 एंड +-1/2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 = 6/2 यानी कि 3 एंड 5 - 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, ठीक है ना। तो ये था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड नेक्स्ट है बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल सकते हैं। उसका रेडीमेड फार्मूला है -b + -b² - 4ac√2a। तो लगाए इसके ऊपर हम ये इस क्वेश्चन में, तो a की वैल्यू यहां पर 1 है, b की वैल्यू है -5, तो ये +5 हो जाएगा, +b² की जगह 25 -4a, a की जगह रखा जाएगा 1 और c की जगह 6 / 2a यानी कि 2 × 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 + -25 - 24 1 का रूट बना जाएगा / 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 + 1 = 6/2 यानी कि 3, 5 - 1 = 4/2 यानी कि 2, ठीक है ना। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसका डेरिवेशन आप 10th क्लास में कर चुके, कैसे करना है डेरिवेशन, इस स्टेटमेंट के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाएंगे, पहले ए से डिवाइड करके फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करके लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर इसके ऊपर, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों इमेजिनरी रूट्स के बारे में, ठीक ऐसे ही सोल्व करनी है आपने सारी इक्वेशन, ठीक है ना, सारी के सारे इक्वेशन ऐसे ही सोल्व करनी है आपने। तो भाई अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट रियल हों बच्चों, कोफिशिएंट क्या हों रियल, तो जो इसके रूट आएंगे इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर्स मीन है कि भाई जैसे एक रूट अगर 3 + 2i आ गया तो सेकंड रूट आएगा 3 - 2i, डेफिनेटली 100%। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है रियल, कोफिशिएंट रियल की कहने लग रहा हूं मैं, देखो अधूरी बात मत सीखना बच्चों, ये मत सीखना कि हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है ना। कंजुगेट पेयर होता है, आप कंजुगेट समझते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ चुके और 10th में भी एक स्टेटमेंट थी वो लिख देता हूं मैं अभी यहां पर। तो कंजुगेट पेयर में तभी आएंगे जब कोफिशिएंट क्या होंगे रियल होंगे, अगर कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो कुछ भी आ सकता है वहां पर, ठीक है ना। जैसे कि ये है आइटा x² + 1, अब इसके रूट जरूरी नहीं कि कंजुगेट पेयर में आएंगे, कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, इसका कोफिशिएंट इमेजिनरी होगा। दूसरी बात जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी सी आर रैशनल देन इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, जैसे ये इरेशनल है तो दूसरा इसका कंजुगेट जरूर मिलेगा आपको। इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, इक्वेशन कितनी भी डिग्री की हो क्यों ना हो, ठीक है ना, जितनी भी डिग्री की होगी उतने उसके पेयर बन जाएंगे, लेकिन अगर ओड डिग्री होगी
तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सभी पेयर में बनेंगे, उसमें कम से कम एक रियल रूट जरूर आएगा। उसके बाद लास्ट में भाई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे फॉर्मेशन करते हैं उसकी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका। अब एक्सरसाइज के अंदर बेसिक करवाऊंगा बच्चों, जो भी नया आएगा ठीक है ना। यहां तक इतना बेसिक आपका थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो गया, अब क्वेश्चन के अंदर ही कोई ना कोई बेसिक आएगा, उसके साथ ही कोई टाइप आएगी, कोई कंसेप्ट आएगा तो एक्सरसाइज में करवाएंगे। तो इससे अगली वीडियो में आपको मिलेगी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।